फ्रॉम हियर अब आप ये दो जो हमारे पास एक्शन ये जो रिजल्ट्स आए थे ये आपको क्लियर हो गए होंगे. नेक्स्ट हम देखते हैं सच रिस्पॉन्सेज आर कॉल्ड इनवॉलेंट्री. आपके पास दो तरह के रिस्पॉन्स आते हैं, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री. वॉलेंट्री कब, जब हायर सेंटर को मैसेज जाएगा इम्पल्सिस वाला, तो जो रिजल्ट या रिस्पॉन्स आएगा वो आपका वॉलेंट्री होगा. लेकिन जब हायर सेंटर को मैसेज नहीं जा रहा तो जो रिस्पॉन्स और रिजल्ट आता है दैट इज इनवॉलेंट्री. ठीक है, जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं होता, जो हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे होते. ठीक है, जैसे आपकी हार्ट बीट है दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल. समटाइम्स द इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्सेज प्रोड्यूस्ड सेंट्रल बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज वेरी क्विक. अब ऐसा क्या होता है, समटाइम नहीं बल्कि यूजली ही ऐसा होता है कि जो चीजें या जो हमारे एक्शन अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो या इनवॉलेंट्री जिनको आप कहते हैं वो बहुत ज्यादा क्विक होते हैं. सच रिस्पॉन्स इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या चीज है, कि वो वाला एक्शन है हमारा, वो वाला रिजल्ट है हमारा जो हमने कहा कि ये उस तरह का रिस्पॉन्स था जो कि क्या था, इनवॉलेंट्री था, जो हमारे अपने कंट्रोल में नहीं था. और इस वक्त हम कहेंगे कि वो वाले रिजल्ट या वो वाले हमारे रिस्पॉन्सेज जो बहुत ज्यादा क्विक थे, बहुत फास्ट थे, ठीक है, तो उनको हमने कहा कि इन रिस्पॉन्सेज को हम किस कैटेगरी में डालेंगे, वो होगा रिफ्लेक्स एक्शन. द पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स ऑफ फॉर प्रोड्यूसिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क. वो वाला पाथवे जो नर्व इम्पल्सिस फॉलो करती हैं ताकि वो रिफ्लेक्स एक्शन प्रोड्यूस करें, उस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं. रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथवे विच इज फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन इज द विदड्रॉ ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट. मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि लेट से गलती से हमारा हाथ एक ऐसी जगह पर लग जाता है, ये फॉर एग्जाम्पल कोई हॉट प्लेट पड़ी हुई है बर्नर के ऊपर, और सडनली गलती से आपका हाथ इसके ऊपर लग जाता है, आप सडनली अपना हाथ यहाँ से खींच लोगे. तो ये जो विदड्रॉल था या जो आपका हाथ सडनली अभी आपको पेन फील हुई और सडनली रिस्पॉन्स भी आ गया, तो दैट इज योर रिफ्लेक्स एक्शन. हुआ क्या, बेसिकली इस सिचुएशन में स्पाइनल कॉर्ड जो है वो इस वक्त आपका कोऑर्डिनेटर है. इस वाले एक्शन में, रिफ्लेक्स एक्शन में, स्पाइनल कॉर्ड वॉज वर्किंग एज अ कोऑर्डिनेटर. हीट जो आपको यहां से इस पैन से हीट आपकी स्किन को मिली, हीट वॉज बेसिकली यूर स्टिमुलस. स्टिमुलस वो चीज होती है जिसने रिस्पॉन्स क्रिएट करवाया. टेम्परेचर और हीट दोनों स्टिमुलस थे. पेन जो आपको फील हुई वो किसने रिसीव की, रिसेप्टर ने. और एट दैट टाइम रिसेप्टर क्या था, स्किन. रिसेप्टर क्या होता है, जो कोई स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है. अ नर्व इम्पल्स इज जनरेटेड विच इज कैरिड बाय सेंसरी न्यूरॉन. अब जैसे ही आपको पेन फील हुई एक नर्व इम्पल्स क्रिएट हुई जो कि सेंसरी थी, जिसने सेंस की पेन की, सेंसरी न्यूरॉन को उसने इंटर न्यूरॉन के पास भेजा और इंटर न्यूरॉन ने फटाफट मैसेज स्पाइनल कॉर्ड को दिया और स्पाइनल कॉर्ड ने ऑर्डर जो है वापस कन्वे बैक टू द इफेक्टर, आपके मसल्स को, आपके वो वाले ऑर्गन्स को किया जिन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट करवाना था. ठीक है, आई एम जस्ट गोइंग टू रिपीट दिस वंस अगेन कि होता बेसिकली इस सिचुएशन में क्या है कि आपका यहाँ पे जो विदड्रॉल ऑफ हैंड है आफ्टर टचिंग हॉट ऑब्जेक्ट वो क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है. हुआ ऐसा क्यों है, स्पाइनल कॉर्ड ने कोऑर्डिनेटर के तौर पे एक्ट किया है, हीट और टेम्परेचर स्टिमुलस बने हैं, पेन आपने जो रिसीव किया आपके रिसेप्टर स्किन ने और उसने नर्व इम्पल्सिस जनरेट की हैं जो कि आपके सेंसरी न्यूरॉन ने और मोटर न्यूरॉन इंटर न्यूरॉन को दी है और स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाई है. और इस तरह जो है वो एक एक्शन या एक रिजल्ट जो है वो हमारे पास आ जाता है. राइट, ओके. फ्रॉम अब इंटर न्यूरोन से आगे की स्टोरी. फ्रॉम इंटर न्यूरोन द इम्पल्सिस इज पास टू मोटर न्यूरोन. सेंसरी ने पहले कलेक्ट की, फिर इंटर के पास आई और इंटर के बाद से ये कहां चली जाएगी जी, मोटर के पास. मोटर के पास क्यों जाएगी, क्योंकि उन्होंने इसको क्या करवाना था, रिस्पॉन्स क्रिएट करवाना, विच कैरी इट टू द मसल ऑफ द आर्म, यानी जिधर फंक्शन होना इफेक्टिव. एज अ रिजल्ट द मसल कॉन्ट्रैक्ट टू द विदड्रॉल हैंड. ड्यूरिंग इट अदर इंटर न्यूरोन ट्रांसमिट नर्व इम्पल्सिस अप टू ब्रेन डेफिनेटली सो दैट द पर्सन बिकम अवेयर ऑफ पेन एंड व्हाट हैपन. अब हुआ क्या है, स्टोरी कैसे हुई है, आपका आपके जो सेंसरी
न्यूरॉन्स हैं उन्होंने फटाफट सेंस किया मैसेज को और इंटर न्यूरॉन को बताया कि भाई आपका हाथ जल रहा है। इंटर न्यूरॉन ने फटाफट मोटर न्यूरॉन को बताया कि जी इफेक्टर को जगाएं, मसल्स को कहें कि वो खींचे, आर्म के जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएं, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए और आपका हाथ वहां से हट गया। मीन वाइल बाकी जो इंटर न्यूरॉन थे उन्होंने आपके ब्रेन को मैसेज दिया कि आपको फलान जगह पे चोट लगी, आपको पेन हुई, आप पेन को फील करें। ठीक है, यहाँ पे हम एक हमारे पास इसकी डायग्राम है, हम वो देखते हैं। सो दिस इज द होल स्टोरी बेसिकली, इसको जरा ध्यान से देखना है। आपका पूरा टॉपिक इसी एक डायग्राम में आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। ये आपके पास ये जो चीज है ये आपके पास बर्नर है, ये आपका आर्म जो है इसके ऊपर हाथ आपका लग जाता है। जो हीट या जो ये हॉट ऑब्जेक्ट था या जो हीट थी दैट वॉज स्टिमुलस। ठीक है, अब जैसे ही आपका हाथ इसके ऊपर लगा आपको ये एरोज नजर आ रहे हैं ऑरेंज कलर के, ये फॉरन नर्व इम्पल्स लेके वापस चले गए हैं जी आपके ब्रेन के पास। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के पास लेके गए हैं, सेंसरी न्यूरॉन्स दौड़ते हुए वहां पे गए हैं और वहां पे उन्होंने इंटर न्यूरॉन को यहाँ पे जाकर अलर्ट किया है कि भाई यहाँ पे सिचुएशन जो है वो खराब है, आप जरा मैसेज कन्वे करें। वो फटाफट मोटर न्यूरॉन के पास जाएंगे और मोटर न्यूरॉन जो है वो मसल्स को कहेंगे कि आप यहाँ पे इस जगह पे जी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए और यहाँ पे जो आपका हाथ जल रहा था उसको वो खींचकर यहाँ लेकर आए। आपका हाथ हॉट ऑब्जेक्ट से इफेक्टर ने या मसल्स ने फटाफट यहाँ से उसको क्या करवा लिया, हटा लिया। आपका हाथ यहाँ था, यहाँ से यहाँ आ गया, ड्रैग हो गया, अवे हो गया। ये किसने करवाया, ये आपके रिफ्लेक्स एक्शन का, ये आपका रिफ्लेक्स एक्शन है। आपने गर्म जगह से हॉट ऑब्जेक्ट से बर्निंग एंड से अपने हाथ को साइड पे कर लिया, सो दैट वाज योर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझना है। एक तो ये आपकी डेली लाइफ से रिलेटेड होता है, आपके कॉन्सेप्ट होते हैं जब आप ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ते हैं कोई चीज, तो डेफिनेटली इसको ध्यान से पढ़ना होता है ताकि आप अपने बारे में जान सके ज्यादा से ज्यादा। और इससे बेटे एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के काफी चांसेस हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई डिफिकल्टी हो, कोई चीज समझ ना आए तो आप जो है वो मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है और आई होप आप इसको अच्छी तरह से समझेंगे। कोई डिफिकल्टी हुई तो आप मुझसे पूछेंगे। अल्लाह हाफिज़।